हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों की डिमांड पे हम बनाने जा रहे हैं गाजर मटर की सब्ज़ी। गाइस, हर पंजाबी घर में आपको ये सब्ज़ी ज़रूर मिलेगी और बड़ी सिंपल है बनाने में, इतनी इजी से जल्दी बन जाती है। तो आओ शुरू करते हैं और चेक करते हैं रेसिपी। ऑलराइट गाइस, चलो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, कुकर रख दिया और थोड़ा रिफाइंड डाल दिया इसमें, और जब तक रिफाइंड गर्म होगा हम वेट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे और उसको भुनेंगे। गाइस, एक चम्मच हमने जीरा डाल देना। अब इसको हम थोड़ा भुनेंगे टेस्ट के लिए। गाइस, आज हम एक नई चीज़ लेकर आए हैं, देसी कटर, मिक्सर कहते हैं इसको। आज हम ये टमाटर प्याज इसमें ग्राइंड करेंगे देसी मिक्सर में। चेक करते हैं कैसा होता है, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये। गाइस, फर्स्ट टाइम ये देसी कटर हमें यूज़ करना है। टमाटर प्याज हमने इसमें डाल दिए, अब मैं एक बार चला के देखता हूँ गाइस कैसे ग्राइंड होता है इसमें। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू। गाइस, हमने ये देसी चॉपर चला लिया, अब हम इसको खोल के देखते हैं। ओ बले नहीं बले यार, ये क्या चॉप हो गया यार, मज़ा ही आ गया भाई साहब, क्या चॉप हो गया सारे ये यार टमाटर प्याज। अब हम इसको तड़के के लिए कुकर में डालेंगे, थैंक यू। गाइस, हमने जो मसाला चॉप करा ना देसी चॉपर में, थोड़ी दूर होके हम ये सारा मसाला टमाटर प्याज का कुकर में डाल देंगे। गाइस, सारा मसाला हमने कुकर में डाल दिया। गाइस, सारा मसाला हमने कुकर में डाल दिया, अब हम इसको ठीक से पकाएंगे जब तक ये थोड़ा लाल नहीं हो जाता और ऑयल थोड़ा मसाले से अलग नहीं हो जाता। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू। गाइस, मसाला हमारा ठीक से ब्राउन हो गया, 5-10 मिनट हमने पकाया। अब हम इसमें स्पाइसी ऐड करेंगे मसाले। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइस, हमने इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा रेड चिली, लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून हल्दी ये डाल देंगे हम। अब हमने डालना है 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम गरम मसाला, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, घर की चक्की का पिसा हुआ मसाला है। ये हमने सारे मसाले ऐड कर दिए गाइस, अब ठीक से हम इसको रोज़ की तरह मिक्स करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू। गाइस, मसाला हमारा ठीक से बन गया, चेक इट आउट, क्या अरोमा आ रहा है गाइस, मज़ा ही आ गया यार, ब्राउन हो गया एकदम हमारा मसाला, चेक इट आउट, और तेल अलग हो गया। अब हमने क्या करना है, चलो मेरे साथ, ये जो गाजर मटर हमने धो के काट के सजा के रखे हुए ना मोती की तरह, अब हमने हल्के हाथों से बड़े प्यार से इनको यहाँ पे लाना है और कुकर के अंदर डाल देना है। तो चलो करते हैं गाइस। गाइस, चांद सितारे हमने डाल दिए हैं कुकर में, आई मीन गाजर मटर, और अब हम इसको ठीक से मिक्स करके कुकर को बंद कर देंगे और 4-5 सीटी आने की वेट करेंगे। गाइस, गाजर मटर को हमने कुकर में ठीक से मिक्स कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुकर को कर देंगे बंद, तसी बह जाएंगे नेड़े तेड़े कितने, फिर वेट करांगे। गाइस, कुकर को हमने कर दिया बंद, प्लीज़ मेक श्योर कि इसको काफ़ी लो फ्लेम पे रखना गाइस, लो फ्लेम पे, कहीं आप तेज़ गैस कर दोगे तो पूरी सब्ज़ी सड़ जाएगी, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, पानी हम नहीं डालते, गाजर में खुद ही पानी होता है तो उसी से गल जाएंगी। तो गाइस, मेक श्योर अगेन हम टेलिंग यू, इसमें बिल्कुल भी पानी मत डालना और लो फ्लेम पे करना। तो 5-10 मिनट बाद हम खोल के देखेंगे कुकर, अगर सब्ज़ी बन गई है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम मूव ऑन करेंगे, थोड़ा और पकाएंगे इसको। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। हेलो गाइस, कांग्रेचुलेशन, अपनी गाजर बटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है, चेक आउट द अरोमा गाइस, क्या लग रही है यार, अब देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक अनदर वीडियो के साथ। सो थैंक यू, गुड नाइट, बाय।